अस्सलाम वालेकुम बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 5 कुडवाड़ी पेश करते हैं उर्दू बाल भारती जमात छशुम सबक नंबर 18 एतबार। अब हम इसमें पढ़ेंगे जान पहचान। इस कहानी के मुसन्निफ सुदर्शन का असली नाम पंडित बद्रीनाथ है। वो 1896 में सियालकोट में पैदा हुए। अपने ओहद के कामयाब अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है। इनके अफसानों में समाज के मुतवस्त तबके के लोगों की जिंदगी को पेश किया गया है। आसान जबान इनके अफसानों की खास खूबी है। इनकी अहम तसनीफ चंदन, बहार दास्तान, मोहब्बत का इंतखाम, सदा बहार फूल वगैरह हैं। पंडित सुदर्शन का इंतकाल 16 दिसंबर 1967 में मुंबई में हुआ। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती इसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और ज़मीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफरत हो गई थी। अब गांव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा, उन्हें वहम सा हो गया था। वो इसकी चाल पर फिदा थे। कहते, ऐसा लगता जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग इसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की तारीफ उसके कानों में पहुंची। इसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सर झुकाकर जवाब दिया, आपकी दुआ से अच्छा हूँ, कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। बहुत दिनों से तमन्ना थी, आज हाजिर हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा हैरत से। इसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बाका घोड़ा इसकी नज़र से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। ऐसे साधु को ऐसी चीज़ से क्या फ़ायदा? वो बेसब्री से बोला, लेकिन इसकी चाल न दिखी तो क्या? बाबा घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। इसकी चाल देखकर खड़क सिंह के सीने पर सांप लौट गया। वो डाकू था और जो चीज़ इसे पसंद आ जाए इस पर वो अपना हक समझता था। जाते जाते इसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए, उन्हें रात को नींद न आई। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। खड़क सिंह का खौफ हर वक्त उनके दिल पर समाया रहता। कई हफ्ते गुजर गए और वो न आया। यहाँ तक के बाबा भारती किसी हद तक बेपरवाह हो गए। एक दिन शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान की पुश्त पर सवार होकर सैर करने जा रहे थे। अचानक एक तरफ से आवाज़ आई, ओ बाबा इस गरीब की सुनते जाना। आवाज़ में दर्द था। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा एक अपाहिज दरख्त के साये में बैठा करा रहा है। बोले, क्यों तुम्हें क्या दुख है?
अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझ पर रहम करो, मेरा गांव यहां से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, खुदा तुम्हारा भला करे। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गत देव का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद इसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। इनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पुश्त पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। इनके मुंह से चील निकल गई। ये अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके बाद कुछ फैसला करके पूरी ताकत से चीख कर बोले, ठहर जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, लेकिन खड़क सिंह एक इल्तिजा करता हूँ, इसे ठुकरा न देना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी हुक्म दीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा न दूंगा, मैं तुमसे इसके बारे में कुछ न कहूँगा, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इस वाक्य का कहीं जिक्र ना करना। खड़क सिंह का मुंह हैरत से खुला रह गया। इसका ख्याल था कि इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती ने खुद ही इससे कहा, इस वाक्य को किसी से बयान ना करना। इसका क्या मतलब हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सर मारा, लेकिन कुछ ना समझ सका। हार कर इसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गाड़ी और पूछा, बाबा जी इस बात को बताने में आपको क्या डर है? ये सुनकर बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस वाक्य का इल्म होगा तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा ना करेंगे। ये कहकर उन्होंने सुल्तान की तरफ से इस तरह मुंह फेर लिया जैसे उनका उससे कभी कोई ताल्लुक ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, लेकिन इनके अल्फाज खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। कैसा नेक ख्याल है, कितना पाक जज्बा है, इन्हें इस घोड़े से मोहब्बत थी, इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, लेकिन आज उनके चेहरे पर रंज गम का निशान तक नहीं था। उन्हें सिर्फ ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर भरोसा करना ना छोड़ दें, ऐसा इंसान इंसान नहीं फरिश्ता है। इसी रात खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, मंदिर के अंदर गहरा सुकून था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वो आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। कभी बाबा भारती लाठी लेकर खुद पहरा देते थे, लेकिन आज किसी चोरी किसी डाके का खौफ न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को इसकी जगह बांध दिया और बाहर निकलकर आहिस्ता से फाटक बंद कर दिया। सुबह सवेरे बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे पानी से गुसल किया। इसके बाद इस तरह जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो इनके पांव अस्तबल की तरफ बढ़े, लेकिन फाटक पर पहुंचकर इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रुक गए। घोड़े ने अपने आँखा के पांव की चाप पहचान ली और ज़ोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती हैरत और खुशी से अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे जैसे कोई बाप बहुत दिन के बिछड़े हुए कोई बेटे से मिल रहा हो। बार बार इसकी पुश्त पर हाथ फेरते, इसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीब की मदद से मुंह न मोड़ेगा।